शहर में ट्रांसजेंडर की वेशभूषा में घूमकर पैसे मांगने वाले बहुरूपीय पिता ने अपनी 8 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बना लिया। वह 7 वर्षीय भतीजे से अप्राकृतिक कृत्य करने से भी बाज नहीं आया। शुक्रवार की दोपहर बच्चों की दादी के घर लौटने पर उसकी हरकतों का खुलासा हुआ। इसके बाद पड़ोसियों की समझाइश पर वृद्ध दादी हुड़केश्वर थाने पहुंची और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। 40 वर्षीय आरोपी संजय अक्सर ट्रांसजेंडर की वेशभूषा में अलग अलग इलाकों में भटककर लोगों से पैसे एकत्रित करता है। उसके कई बार अनजान साथियों सहित घर पहुंचने पर घर की महिलाएं भी त्रस्त हो गई थी। 1 साल की बेटी होने के दौरान ही संजय की हरकतों से परेशान उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया था। कुछ वर्ष बाद उसके छोटे भाई की पत्नी भी संजय की विकृत मानसिकता के चलते घर छोड़कर जा चुकी है। तब से आरोपी संजय, उसकी वृद्ध माँ, 8 वर्षीय बेटी, छोटा भाई, छोटे भाई का 7 वर्षीय बेटा सहित कुल 5 लोग हुड़केश्वर के मकान में रहते थे। संजय की वृद्ध माँ घरेलू काम और भाई चौकीदार का काम करता है। दोनों के जाते ही संजय बेटी और भतीजे से गलत हरकत करने लगता था। शुक्रवार दोपहर संजय बेटी से गलत हरकत कर रहा था, तभी उसकी वृद्ध माँ घर पहुंची। बेटे को नातिन के साथ गलत हरकत और नाती को निर्वस्त्र देखकर माँ ने संजय को लताड़ लगाकर बच्चों को घर से बाहर निकाला। साधारण 2 दिवसापूर्वी पोस्टे हुड़केश्वर नदीमध्ये अत्यंत घृणास्पद आणि माणुसकीला काळीमा फसणारी घटना घडलेली आहे, जिथे संजय रामाजी भटकर नावाच्या एका 40 वर्षीय व्यक्तीने, जो एक ट्रान्सजेंडरचा गेटअप करून भीक मागत असतो, तर त्याने आपल्याच पोटच्या 8 वर्षीय मुलीवर दुष्कृत्य केलं होतं। तसेच आपला अल्पवयीन पुतण्या याच्यासोबत देखील त्याने अनैसर्गिक कृत्य केलं होतं। आरोपीची आईने त्याला हे दुष्कृत्य करताना रंगेहात पकडलं होतं। त्याप्रमाणे ते त्या पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर आपण आरोपीविरुद्ध कलम 376, 377 आणि पोक्सो ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत असताना हुड़केश्वर पोलिसांनी तत्काळ त्याला अटक केलेली आहे। दोन्ही पीडित अल्पवयीन बालकांची वैद्यकीय तपासणी केलेली आहे। त्यांचं CWC समोर समुपदेशन देखील झालेलं आहे। आरोपीची 4 दिवस पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे आणि सदर घटनेचा पुढील तपास माननीय पोलीस आयुक्त सरांच्या मार्गदर्शनात करीत आहोत। या प्रकरणामध्ये आपण लवकरात लवकर तपास पूर्ण करून माननीय कोर्टाला फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये ही केस चालवण्याची आणि आरोपीला जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत। सर, जो आरोपी आहे त्याच्यावर ते आधीचे बी काही गुन्हे वगैरे? बरोबर आहे, आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्याच्यावर याच्या आधी 420चं, 379चं आणि 324चे असे 3 गुन्हे दाखल आहेत। तो काहीच करत नाही, तो काहीच कामधंदा करत नाही, फक्त तो हाच ज्याप्रमाणे सांगितलं ट्रेन तृतीयपंथीयाचा तो गेटअप करतो आणि लोकांकडून पैसे मागत असतो। पुलिस को बच्चों ने अपनी आपबीती बताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय अगस्त माह से बेटी का यौन शोषण कर रहा था। उसकी हरकत 7 वर्षीय भतीजे ने देख ली थी, जिसके बाद उसने भतीजे से भी अप्राकृतिक कृत्य करना शुरू कर दिया। उसने मारपीट कर दोनों बच्चों को किसी को कुछ नहीं बताने के लिए धमकाया था। संजय की दहशत के चलते बच्चों ने चुप्पी साध ली थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।